ए छोटू। जी साहब। अरे यार, किसी को मेरे बंगले बेच के 3-4 एसी क्यों नहीं मंगा लेता, कितनी गर्मी है यार। मित्रों, लोग कहते हैं कि स्टार्टअप आइडिया को नहीं, एक प्रॉब्लम को ढूंढो। और अगर प्रॉब्लम को ढूंढना है तो पहले इमेजिन करो कि वो चीज जो आप सुधारना चाहते हो वो आगे जाके कैसी दिखेगी। इमेजिन करो कि एंटरटेनमेंट का नेक्स्ट जनरेशन कैसा होगा। इमेजिन करो ट्रैवलिंग का नेक्स्ट जनरेशन कैसा होगा। इमेजिन करो कि लेन देन का नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा। और लगे हाथ ये भी इमेजिन कर लेना कि बिजनेस और स्टार्टअप का नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 आइडियाज की जिनकी प्रॉब्लम्स सालों साल तक चल रही हैं और शायद आगे चलती रहेंगी। तो यही मौका है, आप उसके ऊपर अपना एक बिजनेस बना सकते हैं। लेकिन क्या होंगे वो आइडियाज, वो तो हम जानेंगे ही। लेकिन अगर पहली बार इस चैनल पे आया तो यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर से दबा दो। ऐसे इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडियाज, मार्केटिंग आइडियाज मिलते रहते हैं इस चैनल के ऊपर। खैर, बढ़ते हैं अपने टॉप 3 की तरफ। क्या आपको पता है इंडिया सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ओबेस चिल्ड्रन प्रोडक्शन का एक कंट्री है। और जब वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट सामने आई कुछ दिन पहले तो पता चला कि चाइना को हम बीट कर सकते हैं 2024-25 तक। लेकिन ये पॉपुलेशन में सबसे बड़ा डेटा निकल के आया, वो 15% से ग्रोथ हुई है चाइल्डहुड ओबेसिटी के अंदर। ये आंकड़ा लगभग 14 से लेकर 16 मिलियन बच्चों तक है जो चाइल्डहुड में ही ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। ओबेसिटी यानी ओवरवेट, और उससे ही मैक्सिमम प्रॉब्लम्स चालू होती हैं। और जो मैंने 14 मिलियन बच्चों का आंकड़ा बताया उसमें से 2.8 मिलियन डेथ जो होती हैं वो ओबेसिटी और ओवरवेट की वजह से हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो ओबेसिटी के मामले में तेजी से और ज्यादा आगे जाता जा रहा है। तो इसका सलूशन क्या है और कैसे इसके ऊपर काम करके आप इसका एक बिजनेस मॉडल भी बना सकते हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो 3 रीजंस की वजह से होती है। पहला आता है ओवर ईटिंग या अनहेल्दी डाइट, रिड्यूस सेडेंटरी एक्टिविटी और एक फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। ये 3 बड़े रीजंस है चाइल्डहुड ओबेसिटी के। और अब जो मैं आपको आइडिया बताऊंगा वो एक ऐप होगी जो इसको रिड्यूस करने में मदद करेगी। और आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके घर में भी ऐसा होता है। 5 साल से लेकर 10 साल के बीच के बच्चों में 47% बच्चे हैं जो मोबाइल फोन ऑन करके रखते हैं। जी हाँ, मतलब 5 से 10 साल के बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे डेवलप होना चालू होती है और वो 15 की एज तक आपको पूरी तरह दिखाई देने लगती है, जिसका एक कारण ये मोबाइल फोन्स भी हैं। लेकिन यही मोबाइल फोन्स भी, यही टेक्नोलॉजी फायदेमंद हो सकती है उनके लिए। अब यूट्यूब किड्स करके भी एक चैनल बना रखा है अपना। और अगर 5 से 10 साल के बच्चों की बात करें तो वो एनिमेटेड वीडियोस और लर्निंग ग्राफिक्स के जरिए ज्ञान को हासिल करते हैं या पेरेंट्स उनसे करवाते हैं। तो आप एक किड टास्क ऐप बना सकते हैं। एकदम सिंपल ये फॉर्मूला है, आप अपनी ऐप के जरिए बच्चों को एक टास्क दे सकते हैं कि इस 1 मिनट या 1 दिन में आपको क्या क्या करना है। और जो आगे की वीडियोस होंगी या ऐप होगी, ऐप के अंदर लेवल्स होंगे, हर लेवल क्रॉस करने के बाद ही वो बच्चा अगले लेवल पे जाएगा। और ये प्योरली फिटनेस और मेंटल फटीग पे भी काम कर सकता है। चाइल्ड ओबेसिटी इसका एक फंक्शन या यूं कहें एक फीचर मैंने आपको बताया कि लेवल 1 टास्क है आपका, आपको वॉक करना है 400 मीटर। उस लेवल को क्रॉस करने के बाद ही आपको दूसरा टास्क मिलेगा। उसके बीच में आप एजुकेशन सेक्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ पर पेरेंट्स भी चाइल्ड एजुकेशन की तरफ अग्रसर होंगे। और ये तो हमारी हमेशा शिकायत रहती है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ फिटनेस में भी रहना चाहिए। तो आप उस प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन के साथ साथ ये टास्क जो फिटनेस टास्क ओबेसिटी के होंगे वो भी करा सकते हैं उन बच्चों के लिए। क्योंकि बायजूस, अनअकैडमी ये सब तो हैं लेकिन वो मेंटल टफनेस पे काम कर रहे हैं, ना कि फिजिकल टफनेस पे। और आपकी जो ऐप होगी ये दोनों एस्पेक्ट पे काम कर सकती है। अगर मैं इसका स्कोप आगे बताऊं तो वो एक एडटेक स्टार्टअप की तरफ अग्रसर होगा। और इस स्टार्टअप के अंदर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल, मेंबरशिप, इवन प्रमोशनल और एडवर्टीजमेंट के जरिए भी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने टॉप 2 आइडिया की तरफ। और इससे तो सभी परेशान है, पर्सनली मैं भी बहुत परेशान हूँ, शायद आप भी होंगे। हिडन चार्जेस, यार ये तो सभी जानते हैं और सभी इससे बहुत परेशान है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस हों, लोन के हों, या आप ई कॉमर्स से कोई सामान मंगवा रहे हैं। जोमेटो और स्विगी के भी हिडन चार्जेस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। और आगे आने वाले चाहे वो फिनटेक स्टार्टअप हो, ई कॉमर्स स्टार्टअप हो, या कोई भी ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड स्टार्टअप हो, वहाँ पर आपको हिडन चार्जेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये आपका काम हो सकता है कि वो हिडन चार्जेस को लोगों के सामने रखना, जिससे एक ट्रस्ट बनता है और एक ट्रांसपेरेंसी रहती है आपके इकोसिस्टम के अंदर। और ये गवर्नमेंट भी चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब जब यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और फिनफ्लुएंसर्स
इन्फ्लुएंसर्स आपको हिडन चार्जेस के बारे में इतने नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन वो तभी प्रैक्टिकल हो पाएगी जब आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे। इसलिए मैं जो आपको आइडिया बता रहा हूँ उस पर आप काम करें तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। आइडिया ये है दोस्तों, आप या तो एक ऐप या किसी वेबसाइट, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक प्लगइन की, एक प्लगइन आप बना सकते हैं जहाँ पर जिस ऐप में आपको लगता है कि हिडन चार्जेस मौजूद हैं उसमें आप इंटीग्रेट करके देख सकते हैं कि कितने हिडन चार्जेस हैं और क्या क्या हमसे लिया जा रहा है, जिससे आप पैसे खर्च करने से थोड़ा बच सकते हैं। और नॉर्मल सी बात है, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप लेनी होगी अगर आपको हिडन चार्जेस को अनहिडन करना है तो, जो लोग आपको खुशी खुशी देने को भी तैयार होंगे। अगर इसके ऊपर कोई ऐप या प्लगइन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है जिसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। इवन अगर कंपनीज अपने ऊपर ट्रांसपेरेंसी रखना चाहती हैं तो वो अनहिडन कर सकती हैं अपने चार्जेस को आपकी ऐप के बदौलत। और अगर मैं इसका स्कोप बताऊं तो आगे जाके ये एक फिनटेक स्टार्टअप बन सकता है जहां पर आपको जो हिडन चार्जेस जो आप नहीं देंगे अनहिडन करके इस ऐप या प्लगइन के द्वारा, वो आपकी सेविंग में जुड़ जाए उसी ऐप के अंदर जैसा जार ऐप करता है, और वो सेविंग को आप आगे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे लगे ये दो आइडियाज जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और हमारे तरफ से कुछ भी अनहिडन नहीं है, हाँ फेस जरूर है और थोड़ी पास्ट लाइफ जरूर अनहिडन है इस चैनल के ऊपर, लेकिन वो भी कभी ना कभी पता चल जाएगी। तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। बढ़ते हैं अपने टॉप वन की तरफ। फ्रीलांसर इतना बड़ा मार्केट हो चुका है इंडिया के अंदर कि सरकार को नए टैक्स लॉज भी बनाने पड़े। और हम सभी जानते हैं कि फ्रीलांसर की जो ग्रोथ है वो आगे जाके बढ़ने ही वाली है। अब तो एज एन ये बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशन के अंदर भी आ जाता है, लेकिन एक फ्रीलांसर होने में सबसे बड़ी मुश्किल है क्लाइंट से पेमेंट लेना अगर वो इंडिया के बाहर या आपकी कंट्री से बाहर है तो वहाँ काम आएगा फ्रीलांसर्स का बैंक अकाउंट। ये बड़ा ही मजेदार आइडिया है और इससे न केवल आपकी टेंशन खत्म होगी बल्कि आपके क्लाइंट की खत्म होगी और गवर्नमेंट की भी खत्म होगी, क्योंकि फ्रीलांसर्स को मैनेज करने वाला कोई पर्टिकुलर बैंक अकाउंट नहीं है इस समय। आपको थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट जैसे HDFC, एक्सिस या किसी NBFC, जीरो बैंक अकाउंट, कोई भी बैंक अकाउंट हो, वो पर्टिकुलरली फ्रीलांस बैंक अकाउंट नहीं होता। तो इस फ्रीलांस बैंक अकाउंट को या आप ऐप में कन्वर्ट कर सकें या प्लगइन में कन्वर्ट कर सकें, जिससे ये एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। और हर स्टार्टअप में एक इकोसिस्टम होना जरूरी है, खासकर की फिनटेक के अंदर। तो इस बैंक अकाउंट से फ्रीलांसर्स अपने क्लाइंट की पेमेंट को अच्छे से एक्सेप्ट कर सकेंगे और जो क्लाइंट है उसको मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर एक फ्रीलांसर को। वो अगर अपनी कंपनी में 100 फ्रीलांसर्स को रखता है, अगर सबके बैंक अकाउंट अलग हैं तो उसको एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना, और उसको भेजने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। हाँ मैं जानता हूँ थर्ड पार्टी एप्स आती हैं जिससे आप वन क्लिक में ही सबको पे कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज फ्री में तो नहीं होती। तो जितने भी फ्रीलांसर्स उस कंपनी में ज्वाइंट हैं, कंपनी को पता है कि सभी के पास फ्रीलांस बैंक अकाउंट है, तो वो डायरेक्टली पे आउट कर सकते हैं उनको पेमेंट्स। और फ्रीलांसर्स भी किसी भी वर्ल्ड के क्लाइंट से अपने फ्रीलांसर बैंक अकाउंट जो कि यूनियन रहेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, खैर ये बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत फेस की जाती है वर्ल्ड वाइड, और ये एक मॉडर्न एरा की प्रॉब्लम है जिसको मॉडर्न एरा के सोल्यूशन की जरूरत है। मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया बताया है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। खैर लेफ्ट वाली वीडियो में आपको 50,000 के अंडर के आइडियाज मिल जाएंगे, और अगर उससे भी कम की बात करूं तो राइट वाली वीडियो में आपको 5,000 के अंदर के आइडियाज मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।